भारतीय जनता पार्टी मंडल पाली के द्वारा आजादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे के नेतृत्व में आन बान और शान के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ स्थानीय साई मंदिर से किया गया। यह तिरंगा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर पूरे नगर का भ्रमण करने के पश्चात सरस्वती विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी अपने अपने घरों में राष्ट्रध्वज को फहराए। इस दौरान बीजेपी नेता सरजू प्रसाद अग्रवाल, दीपक छतवानी, प्रकाश पालीवाल, बहादुर सिंह जितेंद्र जगवानी, राजकुमार अग्रवाल, बिमल अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष रामपाल वर्मन, श्रीधर राव, ब्रजेश तिवारी, पवन सांबर, बसंत राय, नीरज राय, कामता विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा में मुस्लिम समाज के द्वारा भी राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हुए पृथक से तिरंगा यात्रा निकालकर शामिल किया गया, जिसमें दरगाह इमामबाड़ा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष राशिद हुसैन मामू की भूमिका उल्लेखनीय रही। मुस्लिम समाज की तरफ से घर घर तिरंगा यात्रा में आज हमारी कमेटी शामिल हुई और हम इस रैली के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा लगाएं और बड़ी शान से लगाएं, क्योंकि तिरंगा देश की शान है और देश की शान से हमारी शान है। शुक्रिया। देखिए, राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ता बंधु, साथ ही पाली नगर के गणमान्य नागरिक, व्यापारी बंधु, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के जवान, पत्रकार बंधु, सभी लोगों ने सभी की सहभागिता में दल और पार्टी से हटकर हम सभी ने सभी की सहभागिता से इस अभियान को व्यापक बनाते हुए आज 13 अगस्त को सांकेतिक तिरंगा यात्रा के माध्यम से पाली नगर के हर घर में रहने वाले वासियों से आग्रह किया, सभी लोग अपने घर में तिरंगा लहराएं और इसी के माध्यम से हम राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक हमारे तिरंगे के स्वाभिमान और सम्मान को लेकर पाली नगर की गलियों में इस तिरंगा यात्रा से सभी को जोड़ने का प्रयास किया गया। बीरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।